तो फर्स्ट पार्ट के एंड सीन में हमने देखा था कि जेस को पता पड़ता है कि जिस आदमी ने उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करके उसे छोड़ के चला गया था वो आदमी उसके पास कल आने वाला है। जेस भी कहता है कि साले को आने दो, जब मेरे पास आएगा उसकी थूथ बिगाड़ दूंगा। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट को, लेकिन उससे पहले अगर तुमने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बात और, मैं तुमसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मैं फर्स्ट पार्ट में बोल चुका हूँ। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बकचोदी के। यार भीख मांग रहा हूँ यार, कोई तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज यार। हम लोग देखते हैं कि भाई दिन के पैर नहीं निकले होते और वॉस केटी के घर पे आ जाता है। केटी उसके पास जाती है और उसे गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगती है, और फिर वॉस भी उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। इसके बाद वॉस यहाँ पर जेस से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और वो साथ साथ डैनी से भी मिलता है और जेस इसके उस प्रपोजल को हाँ कर देता है। अब उसी रात ये तीनों बाहर बैठे होते हैं और वॉस यहाँ पर केटी से कहता है कि मैं तुमसे जल्दी जल्द शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स आते हैं कि मैं उनकी बहू को जल्दी घर लेकर जाऊँ। ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर इनको एक कार की लाइट दिखाई देती है। तभी यहाँ पर जेस अपनी एक बंदूक निकाल के लाता है और वहाँ पर वो आदमी था जो कि उसकी वाइफ को भगा के ले गया था, यानी कि मैक्स। मैक्स यहाँ पर जेस की वाइफ बेल को ही भगा कर ले गया था, पर हम देखते हैं कि मैक्स यहाँ पर बेल को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि बेल यहाँ पर अपनी आखिरी सांसों को गिन रही थी और वो चाहती थी कि वो अपने परिवार से मिले। हम बेल को देखते हैं जो कि अपने रूम में बीमार थे और वहाँ पे लेटी हुई थी। तभी वहाँ पे मैक्स आता है और बेल अपनी एक सिरिंज निकालती है उसे मारने के लिए। तभी सब लोगों को अंदर से आवाज़ आती है एक चिल्लाने की। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि बेल वहाँ पे लेटी पड़ी है, यानी कि वो मरी पड़ी है। और हम मैक्स को देखते हैं जो कि घायल था, और मैक्स उससे कहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सब पहले तो हमारी वाइफ ने शुरुआत की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पे फ्यूनरल बना रहे होते हैं अपनी बेल का। तभी यहाँ पे जेस एक आदमी के हंसते हुए चेहरे को देखकर उसे पता पड़ता है कि लोग यहाँ पे सिल्वर की माइन के लिए आए हैं, यानी कि वे वहाँ से सिल्वर निकालना चाहते हैं और उसे बेचना चाहते हैं। तभी हम मैक्स को देखते हैं उसी सिल्वर माइन में और वो वहाँ पे सिल्वर निकाल रहा होता है। तभी जैसे वहाँ पे उसके पेट पे वही एक निशान देखता है जो कि उसने डैनी के पेट पे देखा था, और मैक्स उसे बताता है कि जो कैडी है वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, और उसकी बॉडी पर ऐसा निशान नहीं है और सिर्फ उसके बेटे की बॉडी पर ही ऐसा निशान है क्योंकि वो बेटा भी मेरा है, क्योंकि हमारे जीन में एक ऐसी वो है कि जो निशान है वो लड़कियों के पेट पर नहीं आता, सिर्फ लड़कों के पेट आता है। ये बात सुनकर जेस मैक्स को गोली मार देता है जिसके बाद वो मर जाता है। अब ये बात सुनकर जेस को लगने लगा था कि भाई उसके साथ ये पूरा स्कैम हो रहा है। अब वो अगले दिन ही वॉस के घर जाता है और उसके पेरेंट्स को बता देता है कि डैनी उसका बच्चा नहीं है, वो मैक्स का बच्चा है। तो भाई इस मूवी में इतना सब देखने के बाद ना हम व्यूअर्स को एक चीज़ पता पड़ती है कि जो जेस है वो केडी को पसंद करने लगा है। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि केडी एक दूसरे आदमी से शादी करे जिसका नाम वॉस था, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था और उसे तो अब ये भी पता चल चुका था कि भाई केडी का और जेस का कोई बाप बेटी का रिश्ता नहीं है, इसलिए तो भाई अब उसका बनता भी था, वो उसे पसंद करने लगा था और वो उसे ये बात एक रात बता देता है। वो साथ साथ केडी से ये भी कहता है कि अब हम वॉस की माइन में से सारा सिल्वर निकाल देंगे और उसे बेच देंगे। ये आइडिया यहाँ पर केडी को भी पसंद आता है और अगले दिन ये लोग सिल्वर माइन में जाते हैं सिल्वर निकालने के लिए। तभी केडी नीचे गिर जाती है और वॉस उसे उठाते उठाते उसे किस भी कर देता है। ये सब वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी देख लेता है। अब हम देखते हैं कि जब ये लोग सिल्वर माइन की तरफ जाते हैं तो ये जब बाहर निकल रहे होते हैं अपने सिल्वर को लेकर, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। ये दोनों पुलिस को देखकर सारा सिल्वर फिर से माइन में डाल देते हैं और वहाँ से बाहर निकल के आते हैं। तो भाई पुलिस ना यहाँ पर इन दोनों से कहती है कि हमें एक आदमी का कॉल आया था और उस आदमी ने हमें बताया था कि तुम दोनों तो भाई बाप बेटी हो और तुम दोनों के आपस में नाजायज संबंध हैं जो कि हमारी कंट्री में एक इल्लीगल चीज़ है। अब इसके बाद इन दोनों को कोर्ट रूम में पेश किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेस को जो कि कोर्ट रूम में जज को बता रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने केडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पर तभी वहाँ पर केडी उठ खड़ी होती है और कहती है कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ था, मेरी मर्जी के बगैर जेस ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। पर जज यहाँ पे केडी की एक बात नहीं सुनता और जेस को एक 10 साल की सजा सुना देता है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली थी। केडी यहाँ पे अपने बेटे डैनी को लेके आती है और कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा मैक्स का था जो कि एड का भाई है, और जो निशान यहाँ पे एड के पेट पे था वो निशान मैक्स के पेट पे भी था और वो निशान कैडी के बेटे डैनी के पेट पे भी था, जिससे कि बायोलॉजिकली ये प्रूफ हो जाता है कि ये बच्चा मैक्स का था और जो केडी थी वो जेस की बेटी नहीं थी। कोर्ट इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देती है। हम देखते हैं जब ये लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे वॉस खड़ा होता है जो कि कैडी से कहता है कि जो तुम्हारे फादर जेस हैं वो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मेरे फादर को भड़का दिया था, जिसके बाद मेरे फादर ने मुझसे मना कर दिया था कि मैं तुमसे मिलूं भी। अब वॉस के मुंह से इतना सब सुनने के बाद कैडी जेस के पास आती है और कहती है कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं वॉस के साथ ही रहूं और वो मेरे बेटे के लिए भी अच्छा होगा। पहले तो जेस इस बात से इनकार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस बात से मान जाता है और केडी को वॉस के साथ भेज देता है। तो भाई ये मूवी अब यहीं पे खत्म होती है।
तो भाई मूवी जो थी ना, मेरे को तो कसम से एकदम बकवास मूवी लगी। और अगर तुम लोगों को ये मूवी देखनी है तो तुम लोग देख सकते हो, मेरे कमेंट में डाल देना कि मुझे ये मूवी देखनी है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये मूवी तुम्हें किस वेबसाइट से मिलेगी, कहाँ से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अब मज़े से मूवी देखना, मज़े से रहना। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।